हमारे ये मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। ये जो बजट आया है, हर भारतीय नागरिक को लगता है कि बजट यानी हमारे आने वाले भविष्य का एक ऐसा मैप कि जिससे हमारे भविष्य बनेगा, हमारे युवा पीढ़ी को कुछ अच्छा रोजगार मिलेगा और हमारा जो व्यापार है वो व्यापार के अंदर में बहुत अच्छी राहत मिलेगी, क्योंकि कोरोना के इस संघर्ष में 3 साल से हम लोग जो जूझ रहे हैं, पूरा व्यापारी समुदाय और पूरी जनता, तो यहाँ शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बातें तो कई है, बातों बात करना और उसका इम्प्लीमेंट करना इसमें फ़र्क है, मगर शिक्षा के लिए और दूसरी बात किसानों का, क्योंकि जिस देश का किसान अगर मजबूत नहीं होगा, किसानों को अगर कोई राहत नहीं मिलेगी, ये और ऐसा कहा कि उन्होंने 2022 तक ये देश में से सबसे ज़्यादा शहरीकरण हो जाएगा देहातों का। देहातों का शहरीकरण की व्याख्या क्या है? शहरीकरण का मतलब होता है कि सब सुविधा, या शहरीकरण का मतलब यह है कि सबको बुला, सब नौकरियां मांगेंगे, सब परावलंबी बनेंगे, तो ये इसके पीछे का कोई उन्होंने उसकी व्याख्या नहीं की है। शहरीकरण हो जाएगा, शहरीकरण का मतलब जो भी ऐसा होता है, महात्मा गांधी ने कहा था कि देहातों की तरफ चलो, राष्ट्रसंत गुरुजी महाराज ने भी वही कहा था कि गाँव हा विश्वाचा नकाशा, गावावरून देशाची परीक्षा, गाँव भंगता यही लवदसा देशा माझी, यानी इसका मतलब है कि हमारे गाँव अगर खत्म हो जाएंगे, देहात अगर खत्म हो जाएगी, तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री मेरे देश की अगर कोई है वो कृषि है, और कृषि इंडस्ट्री अगर खत्म हो जाएगी तो हम क्या बाहर विदेशियों को अनाज मांगेंगे क्या? क्योंकि एक समय में हमने अनाज विदेशियों को मांगा है, तो वो परिस्थिति हमारे देश में लाने का ही प्रयास है क्या? तो मुझे लगता है बजट में सब सर्वसाधारण रोजगार, सर्वसाधारण व्यापारी, क्योंकि सबसे बड़ा रोजगार का छोटे छोटे व्यवसायों के अंदर में सबसे बड़ा रोजगार है, उसके बारे में कोई भी बात इस बजट में नहीं की है। मुझे लगता है कि इस बजट के बारे में कोई तो भी और सोचे और उसको एक थोड़ा सा बदलाव करके एक अच्छा बजट बना दिए। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।